दोस्तों ये है एप्पे एक्स्ट्रा LDX कार्गो बॉडी के साथ में गाड़ी आती है। अब बात ये आती है कंपनी इसमें किस प्रकार के फीचर ऐड कर चुकी है, इसके बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। CNG प्लस पेट्रोल दोनों ही ऑप्शन के साथ में इसको आप चला सकते हैं, प्लस CNG जो मोड इसमें दिया गया है काफ़ी उपयोगी आपके लिए रहने वाला है, जो फ्यूल की बचत है काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। अब ये जो पर्टिकुलर कार्गो बॉडी के साथ में हमें कंपनी ने लॉन्च कर दिया, तो इसमें क्या क्या फीचर देखने को मिलता है, चलिए बात करते हैं इसके फीचर्स की। दोस्तों सबसे पहले हम इसके फ्रंट लुक की बात करी जाए तो यहाँ पे जो विंडशील्ड दी गई है थोड़ा सा आप देख सकते हैं कर्व ग्लास के साथ में दी गई है। हालांकि सभी ऑटो में आपको इतने भी इंडस्ट्री के अंदर ऑटोज हैं सबके अंदर आपको कर्व ही यहाँ पे जो ग्लास मिलता है, कर्व होने से विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी विंडशील्ड की आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा दोस्तों पीजन कंपनी का यहाँ पे लोगो आपको देखने को मिल जाता है, एपे एक्स्ट्रा LDX की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। अब ये जो पर्टिकुलर ऑटो है इसमें पीछे की तरफ कार्गो बॉडी दी गई है जो कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी जो रहने वाली है। वेट वगैरह में भी एक एक्स्ट्रा ऑप्शन जो कंपनी ने इसमें ऐड कर दिया है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे किफ़ायती जो आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि CNG प्लस पेट्रोल दोनों ही ऑप्शन के साथ में गाड़ी आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा सामने की तरफ जो हेडलाइट्स दी गई हैं राउंड शेप में देखने को मिल जाती है, हेलोजन बल्ब के साथ में दी गई है, साइड में इंडिकेटर आप देख सकते हैं वो भी आपको हेलोजन बल्ब के साथ में देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ में सामने की तरफ जो मडगार्ड दिया गया है वो यहाँ पे फाइबर टेक्नोलॉजी के साथ में दिया गया है, मेटल का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया गया है। उसके साथ साथ में जो वाइपर है वो काफ़ी विंडशील्ड के साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है। ये जो पर्टिकुलर ऑटो आप देख पा रहे हैं ये BS6 Phase 2 नॉर्म्स के साथ में आता है, और ऊपर की तरफ कंपनी जो इसके अंदर 36 महीनों की सुपर वारंटी प्रोवाइड करवाती है। उसके अलावा दोस्तों इस पर्टिकुलर ऑटो के अंदर आपको ट्यूबलेस टायर यहाँ पे कंपनी ने प्रोवाइड करवाए हैं, ट्यूबलेस टायर होने से काफ़ी उपयोगी आपके लिए चीज़ हो जाएगी। उसके अलावा टायर साइज की बात करी जाए तो आपको 4.50 सेक्शन 10 के टायर साइज यहाँ पे दिए गए हैं जो कि काफ़ी उपयोगी आपके लिए रहेंगे, ट्यूबलेस होने से काफ़ी अच्छा यहाँ पे किफ़ायती सेफ्टी के लिए ऐसे काफ़ी अच्छी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा फ्रंट सस्पेंशन की बात करी जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है जो कि शोक अब्जॉर्वर आप देख पा रहे हैं, शोक अब्जॉर्वर के साथ में आता है। हेलिकल कंप्रेशन वाला जो स्प्रिंग है इसमें आपको डैम्पर टेक्नोलॉजी के साथ में दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्प्रिंग है इसमें आपको डैम्पर टेक्नोलॉजी के साथ में दिया गया जो कि काफ़ी हैवी क्वालिटी इसको बना देता है, और केबिन के अंदर काफ़ी अच्छा कंफर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा पीछे की तरफ से कार्गो बॉडी की बात करी जाए तो इसमें जो अगर डायमेंशन की हम बात करें तो इसमें आपको जो लंबाई है आपको 1660 mm की आपको देखने को मिल जाती है, जो चौड़ाई है 1400 mm की आपको देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा जो ऊंचाई है जो गहराई है आपको 285 mm की यहाँ पे कंपनी ने प्रोवाइड करवाई है, और जो इंजन असेंबली है नीचे की तरफ ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इस पर्टिकुलर ऑटो के अंदर जो कंपनी ने यहाँ पे फोर्स एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक ऑटोसाइकिल वाला ही इंजन यहाँ पे प्रोवाइड करवाया है जो कि 230 cc के क्यूबिक कैपेसिटी के साथ में आता है। पावर फिगर की बात करी जाए तो इसमें आपको मैक्स टॉर्क जो है 17.16 Nm का देखने को मिल जाता है, और जो पावर है 6.9 kW की आपको देखने को मिलेगी 4300 इंजन रेटेड RPM पे। उसके अलावा दोस्तों इस पर्टिकुलर ऑटो के अंदर जो इंजन प्रोवाइड करवाया गया है नॉर्मली इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा माइलेज के लिए रिलायबिलिटी जो है पीजन कंपनी की काफ़ी लो मेंटेनेंस ये इंजन रहता है। एक्सपीरियंस की बात करी जाए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपको 3 valve का इंजन यहाँ पे कंपनी ने प्रोवाइड करवाया है जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे फीचर और पावर इसमें आपको देखने को मिलेगा। एल्युमिनियम अलॉय इंजन इसमें आपको देखने को मिलेगा, एल्युमिनियम होने से अंदर की तरफ जो अलॉय है काफ़ी अच्छी तरीके से घूमता है, उसमें टूटने फूटने का जो शिकायत इसमें नहीं रहता है। उसके अलावा दोस्तों केबिन की बात करी जाए तो दोनों ही तरफ आपको डोर दिए गए हैं जिससे काफ़ी अच्छा यहाँ पे सेफ्टी के लिए ऐसे बात करी जाए तो काफ़ी अच्छी सेफ्टी आपको केबिन के अंदर मिल जाती है। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं CNG का सिलेंडर आपको नीचे की तरफ दिया गया है, और जो सीट है उसकी चौड़ाई काफ़ी अच्छी चौड़ाई इसमें आपको देखने को मिल जाती है। पीछे की तरफ कुशन भी आपको काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा जो केबिन है काफ़ी खुला और बड़ा इसमें आपको देखने को मिल जाता है, दोनों ही साइड डोर दिए गए हैं तो इसमें आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है, और CNG की जो फिटिंग है आपको देख सकते हैं यहाँ पे दी गई है जो कि किसी प्रकार से डिजाइन यहाँ पे करी गई है। उसके अलावा दोस्तों इस पर्टिकुलर ऑटो के अंदर आपको कंपनी जो है 4 forward and 1 reverse का स्पीड के साथ में जो गियर बॉक्स है कंपनी प्रोवाइड करवाती है, फुली कॉन्सनमेस ट्रांसमिशन के साथ में ये ऑटो आता है। भागते ऑटो में भी आसानी से जो गियर आप आसानी से जो बदल पाएंगे, किसी प्रकार की उलझन का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लच लीवर दिया गया है, जो गियर बॉक्स है यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे असेंबली की डिजाइन करी गई है, और जो रिवर्स का गियर है नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा। चोक भी यहाँ पे दिया गया है, बाय जैसे स्टार्ट नहीं होता चोक लेके इंजन को आसानी से जो आप स्टार्ट कर पाएंगे। उसके बाद मीटर कंसोल की बात करी जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल मीटर कंसोल इसमें दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने स्पीड पे एक किलोमीटर पे आपके गाड़ी चल रही है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, किलोमीटर कितना चल गया है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, कौन से गियर में चल रहा है, CNG मोड में है पेट्रोल मोड में है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इंजन की लाइट वगैरह जितने भी संकेत आपको साइड में देखने को मिल जाते हैं।
उसके साथ में यहाँ पे अलग से टूल बॉक्स भी दिया गया है जो ग्लोब वगैरह देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस के साथ में इसमें आपको देखने को मिलेगा। लॉक सिस्टम भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा हाथ वाली जो रेंज साइड में आपको देखने को मिल जाएगी। लाइट से जुड़े कंट्रोल नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाते हैं। वाइपर से जुड़े कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं। हजार लैंप का बटन आपको देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ में इसमें आप देख सकते हैं चार्जिंग सॉकेट भी यहाँ पे 5 वोल्ट का दिया गया है, जो कि 2 USB केबल अडेप्टर के साथ में दिया गया है। उसके साथ साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपको CNG मोड में चलाना है, पेट्रोल मोड में चलाना है, इसको अलग से स्विच जो है अलग से दिया गया है, जो कि अपनी जरूरत के हिसाब से सेट करके आप चला सकते हैं। उसके बाद इसके इंजन साउंड की बात करी जाए तो मैं इसको सबसे पहले स्टार्ट कर लेता हूँ। अब इस पर्टिकुलर ऑटो का जो साउंड है आप सुन सकते हैं, काफ़ी मक्खन साउंड है, किसी प्रकार की एक्स्ट्रा नॉइस इसके ऑटो के अंदर नहीं है। CNG होने से काफ़ी साइलेंट जो इसका इंजन हो गया है, किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। उसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं अगर न्यूट्रल में आपका गाड़ी खड़ा है तो न्यूट्रल का अगर संकेत आपको देखने को मिल जाते हैं। चाबी से ही इस पर्टिकुलर ऑटो के इंजन को आप बंद कर सकते हैं। चाबी से यहाँ पे देख सकते हैं पर्टिकुलर यहाँ पे जो स्लफ स्टार्ट है, यहाँ पे अलग से स्लफ जो देखने को मिल जाती है, इसकी सहायता से आप इसको आसानी से जो है स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप केबिन के अंदर आपको अलग से लाइट दी गई है, जो कि किस प्रकार से आपको पेट्रोल के जला सकते हैं। दोनों ही साइड विंडो दी गई है, काफ़ी अच्छी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा दोस्तों जो CNG का पर्टिकुलर टैंक यहाँ पे दिया गया है वो 40 लीटर की कैपेसिटी के साथ में दिया गया है। कंपनी वाटर कैपेसिटी में 40 लीटर बताती है। CNG टैंक आप अगर भरवाते हैं तो आपको किलो में आपको देखने को मिलेगा, तो पर्टिकुलर ये जो है 40 लीटर की कैपेसिटी के साथ में यहाँ पर दिया गया है। प्लस पेट्रोल वाली जो जगह है आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर आप 2.8 लीटर की टैंक इसमें आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2.8 लीटर की कैपेसिटी के साथ में इसका जो पेट्रोल का टैंक आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों इसके रियर सस्पेंशन की बात करी जाए तो इसमें आपको हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक शॉक अब्जॉर्बर विद रबड़ कंप्रेशन के साथ में स्प्रिंग विद डैम्पर यहाँ पे दिया गया है। डैम्पर पीछे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। स्प्रिंग के साथ में डैम्पर होने से काफ़ी अच्छा लोड जो है आप आसानी से ऑपरेट करके चला सकते हैं। स्टेबिलिटी उसके साथ में जो स्टेबिलिटी है काफ़ी अच्छी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। जो बैटरी का स्थान है बाहर की तरफ रखा गया है। उसके अलावा पीछे वाला जो मडगार्ड है आपको फाइबर टेक्नोलॉजी के साथ में देखने को मिल जाता है। उसके साथ में जो टायर, उसके अलावा जो रियर टायर साइज है, तीनों ही टायर ऑटो के अंदर आपको सेम साइज 4.50/R सेक्शन के टायर इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों इस पर्टिकुलर ऑटो के अंदर जो ब्रेक दिए गए हैं यहाँ पे ड्रम ब्रेक हाइड्रोलिकली एक्टिवेट इंटरनल एक्सपेंडेड शू टाइप के ब्रेक यहाँ पे दिए गए हैं। ड्रम ब्रेक के साथ में ही पर्टिकुलर ये ऑटो है जो आता है, डिस्क ब्रेक का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया गया है। उसके बाद दोस्तों अब बात आती है इसके डायमेंशन की। इससे पहले हम इसमें आप दिखा देते हैं जो पीछे वाला जो लुक है इस ऑटो का, यहाँ पे आपको कुछ तरह से देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ हलोजन बल्ब के साथ में टेल लैंप दिए गए हैं, पीछे की तरफ जाली आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा CNG की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। अब ये जो पर्टिकुलर ऑटो है आप चारों ही तरफ से इसको खोल सकते हैं। जो पीछे की तरफ जो लोड बॉडी दी गई इसको चारों ही तरफ से आप खोल सकते हैं। कुछ इस तरह से अगर आपको सामान वगैरह रखना है तो आसानी से खोल के जो है इसके पर्टिकुलर लोड बॉडी पर सामान आप रख सकते हैं। उसके बाद डायमेंशन की बात करी जाए तो सबसे पहले व्हील बेस इस पर्टिकुलर ऑटो का आपको 2100 mm का देखने को मिल जाता है। जोरल जो लंबाई है इसमें आपको 3145 mm की देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा दोस्तों पर्टिकुलर जो चौड़ाई है इस पर्टिकुलर ऑटो की आपको 1490 mm की आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा जो मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस आपको 245 mm का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों इस पर्टिकुलर ऑटो का आपको GVW वेट की अगर बात करी जाए तो 975 किलो के GVW वेट के साथ में ये गाड़ी आती है। उसके साथ साथ में पर्टिकुलर जो स्पेयर टायर है आप देख सकते हैं साइड में यहाँ पे असेंबल इसका किया गया है। उसके अलावा दोस्तों बात आती है इस पर्टिकुलर ऑटो की कीमत की, प्राइस की, तो अगर आप इस पर्टिकुलर ऑटो को हरियाणा के भिवानी ज़िले में हिंद मोटर्स पर आप खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर ऑटो का जो ऑन रोड प्राइस है आपको 2,95,000 का आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप हरियाणा के अलावा किसी अदर स्टेट से हैं, अगर इस पर्टिकुलर ऑटो की कीमत जानना चाहते हैं तो truckjunction.com वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे हर तरीके की जानकारी आपको ऑटो से रिलेटेड प्लस जो कमर्शियल व्हीकल्स आते हैं उससे रिलेटेड जानकारी जो आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।